प्रदूषण प्रदूषण आज विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है हर साल दिवाली के समय हमें कहा जाता है कि प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है खांसी सर्दी और इस तरह की बहुत सारी परेशानियां बच्चों को और बुजुर्गों को परेशान करती है पिछले दिनों फाउंडर ट्रस्टी लंग केयर फाउंडेशन के अरविंद कुमार जो सरगंगाराम में प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर भी रोबोटिक सर्जन हैं उन्होंने एक ऐसा मामला सामने लाया है जिसने मेडिकल हिस्ट्री में खलबली मचा के रख दी है लोग कह रहे हैं कि हमें डरने की डराया जा रहा है लेकिन क्या वो 28 साल की बच्ची जिसको ये कैंसर डायग्नोज किया गया है वो पॉल्यूशन की वजह से है या कोई और वजह है हमें बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सर क्या है वो स्थिति जी 28 वर्ष की महिला नॉन स्मोकर एक नॉन स्मोकिंग फैमिली से कुछ सिम्टम्स उसको हैं जिसको आप वर्कअप करते हैं सीटी स्कैन बायोप्सी वगैरह और आपको अल्टीमेटली डायग्नोसिस लंग कैंसर मिलता है फिर आप पेट स्कैन करते हैं और पता लगता है कि वो स्टेज फोर लंग कैंसर है तो एक 28 वर्ष की नॉन स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग फैमिली से आने वाली महिला को अगर लंग कैंसर हो तो आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं एज ए डॉक्टर कि यह क्यों हुआ क्योंकि हम शुरू से यह पढ़ के बड़े हुए हैं और अब पढ़ाते हैं कि और सब माना जाता है कि लंग कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड होता है तो एक नॉन स्मोकर जिसको कभी स्मोक को एक्सपोजर नहीं हुआ उसको क्यों हुआ फैमिली भी बार बार हमसे यही सवाल पूछ रही है क्यों क्यों वाई हर और हम भी अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं जब हमने इसकी गहराई में सोचने की कोशिश की तो कुछ कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसकी वजह से हम इन्फर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें प्रदूषण का रोल है और वो तथ्य इस प्रकार हैं स्मोकिंग से लंग कैंसर क्यों होता है स्मोक में सिगरेट स्मोक में निकोटिन होता है जिससे हमारा एडिक्शन होता है लेकिन निकोटिन लंग कैंसर नहीं करता निकोटिन के अलावा उस स्मोक में सत्तर के करीब केमिकल्स होते हैं जो डब्ल्यू ने क्लास वन कार्सिनोजेंस यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स उनको सर्टिफाई किया हुआ है उन एजेंट्स उन केमिकल्स की वजह से सिगरेट स्मोक से लंग कैंसर होता है जब आप टॉक्सिक पोल्यूटेड एयर जिसमें स्मोक है सिगरेट से भी है या सिगरेट से नहीं भी है तो वो इंडस्ट्री से क्रॉप बर्निंग या ट्रैश बर्निंग गारबेज बर्निंग वहीक्यूलर एग्जॉस्ट और बहुत सारे सोर्सेज से प्लस पार्टिकुलेट मैटर पी एम टू पॉइंट फाइव ये सारी चीज़ें जब आप इनको एनालाइज करते हैं तो आप पाते हैं कि वो सारे केमिकल्स जो एक्चुअली सिगरेट स्मोक में हैं वो कम बढ़ी उतनी ही या उससे ज़्यादा मात्रा में एक्चुअली आपकी वायु में भी मौजूद हैं तो जो हवा आप पच्चीस हज़ार बार दिन में सांस ले रहे हैं दस हज़ार लीटर हवा आप रोज़ सांस द्वारा फेफड़ों में ले जाते हैं अगर उनमें वही केमिकल्स उतनी या ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं तो अगर वो केमिकल्स सिगरेट स्मोक के थ्रू जा कर के कैंसर कॉज करते हैं तो वो केमिकल्स एयर के थ्रू जाके क्यों नहीं कैंसर कॉज करेंगे तो इसीलिए मैं ये और ये कोई इस लड़की का जो 28 वर्ष में लंग कैंसर का मामला है चलिए 30 से नीचे तो ये मैंने पहला केस देखा है अपने पूरे 30 वर्ष से ऊपर के क्लिनिकल लाइफ में लेकिन इससे पहले 30 वर्ष से ऊपर इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस इस उम्र में हर महीने एक दो एक दो पेशेंट पिछले कई वर्ष से मैं रेगुलरली देख रहा हूं ये वन टाइम फिनमिना नहीं है ये पिछले कुछ वर्ष में सामने आया है तो जब आप अर्ली थर्टीज़ में और अब लेट ट्वेंटीज़ में नॉन स्मोकर सो कॉल्ड नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर देखते हैं और आप देखते हैं कि ये सब लोग किसी न किसी पोल्यूटेड सिटी में पले और बड़े हुए हैं और आपको मालूम है कि पोल्यूटेड एयर में वो सारे केमिकल्स हैं जो सिगरेट स्मोक में होते हैं तो ये डिड्यूस करना कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत इंफ्रेंस uh, मैंने ड्रा किया है सर सबसे ज़्यादा मामले अब जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की या फिर लानसेंट की उसमें कहा जा रहा है कि 20 सबसे पोल्यूटेड जो कंट्रीज़ हैं उसमें सिटीज़ सिटीज, उसमें 14 शहर जो हैं वो भारत के हैं तो क्या ये सारे मामले जो आप बता रहे हैं कि सामने आ रहे हैं पॉल्यूशन के वो वहाँ से भी आपके पास कुछ रेफर हो के आ रहे हैं क्योंकि एक बहस चल गई है बहस चल गई है कि डॉक्टर अरविंद कुमार इस तरह का एक मामला देके लोगों में डर पैदा कर रहे हैं जी, जी जी मुझे भी ये कहा गया है कि डॉक्टर साहब आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं मैं उसका जवाब देना चाहूँगा एज ए डॉक्टर अगर मैं कोई चीज़ देखूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रेगुलरली जिसकी पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस है जिसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो पब्लिक के साथ शेयर किए जाने चाहिए तो मेरे हिसाब से और मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि उस बात को शेयर करना नहीं बल्कि ना शेयर करना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती होगी तो कोई भी जो ये कहता है कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा जवाब उनको ये है मैं डराने की नहीं मैं आपको सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप सच से बचना चाहते हैं उससे आँखें बंद करना चाहते हैं वेल आपकी चॉइस है लेकिन कुछ समय के बाद जब आपको रोज़ बार बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा तब आपको शायद मेरा आज का ये प्रडिक्शन याद आएगा ऐसा क्या करें हर बार बात होती है दिवाली के समय पोल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है ठंड में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है हर बार बहुत सारी बातें होती हैं कि पोल्यूशन कम करना है गाड़ियाँ कम कर दी जाती हैं जब पोल्यूशन लेवल हाई हो जाता है लेकिन चीज़ें निकल के नहीं आ रही कि आम जनता तक कैसे पहुँचे उन्हें कैसे बताएं कि तुम्हारा कितना बड़ा रोल है सरकार के साथ देखिए इसकी तरफ कोई एक जो है बहुत एक ऑर्गेनाइज एफर्ट की ज़रूरत है प्रायः जो चीज़ हम मैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने को पॉल्यूशन फेस्टिवल का नाम देता हूं क्योंकि सडनली मीडिया लोग सब लोग बहुत जागृत हो जाते हैं उस समय और हेलीकॉप्टर से पानी छिड़के जाने से लेकर के अजीब अजीब वाहियात किस्म के सल्यूशन सजेस्ट किए जाते हैं जिनका कोई बेसिस नहीं है आ, ये कहना कि हम पोल्यूशन हम हेलीकॉप्टर से पूरे दिल्ली में पानी नीचे से तो आप झाड़ू लगा करके धूल उड़ा रहे हैं और हेलीकॉप्टर से आप उस पानी को डराएंगे मतलब क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं ज़रूरत है इसके सोर्स को समझने की और सोर्स बड़े सिंपल से दो हैं धू और धू पहला धू धु है धुआं धुआं किसी भी सोर्स से आए चाहे वो इंडस्ट्री से आए पावर प्लांट्स हों दूसरी इंडस्ट्रीज़ हों ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो आपके घर का एग्जॉस्ट हो ट्रैश बर्निंग हो गार्बेज बर्निंग हो क्रॉप बर्निंग हो गली गली में जो पत्तियां वगैरह जलाई जाती किसी भी तरह की बर्निंग जहां से धुआं आ रहा है तो वो तो एक धू हुआ और दूसरा धू धु है धूल यानी कि डस्ट वो चाहे सड़क से आए कंस्ट्रक्शन साइट से आए कहीं से भी आए तो धू और धू ये दो हमारे एयर पोल्यूशन के मेन कंट्रीब्यूटर्स अगर 1300 करोड़ लोग 130 करोड़ लोग सब इस बात को समझें कि हम में से हर व्यक्ति एक पोल्यूटर है तो अगर 130 करोड़ लोग ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दें और एक मूवमेंट बने कि नहीं हम समझते हैं कि वायु प्रदूषण एक विकराल समस्या है न केवल दिल्ली में पूरे देश में ये एक और भ्रांति है कि शायद वायु प्रदूषण केवल दिल्ली तक सीमित नहीं 98 परसेंट लोग पूरे देश में डब्ल्यू और हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उससे इन्फीरियर वायु को सांस लेते हैं तो अगर पूरे देश में एक मूवमेंट बन जाए कि हाँ हम मानते हैं कि वायु प्रदूषण एक समस्या है नंबर वन नंबर टू वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरे प्रभाव कुप्रभाव हो रहे हैं खासकर से बच्चों को जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है नंबर तीन खाली सरकार के प्रयासों से ये समस्या हल नहीं हो सकती आप पॉल्यूट करते रहें सरकार नियम बनाती रहे और आप सब मिलकर उसको वायलेट करते रहें तो ये पोल्यूशन सॉल्व नहीं होगा किसी देश ने विश्व में ऐसा करके पोल्यूशन को सॉल्व नहीं किया है सरकार की पॉलिसियाँ और उन पॉलिसीज का 100 एक्सेप्टेंस बाय द पीपल और एफर्ट्स बाय द पीपल दे मे बी स्मॉल मेरे आपके लेवल पे हो सकता है वो बहुत छोटा सा एफर्ट हो लेकिन जब 130 करोड़ लोग वो छोटा छोटा एक एक कदम लेंगे तो वो 130 करोड़ कदम बन जाएंगे और वो मिल करके इस समस्या को हल कर पाएंगे पूजा जी हमारे देश को नियमों की नहीं इस समय एक जन आंदोलन की ज़रूरत है अगर आप नियमों के हिसाब से देखें तो जो नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं अगर उनका पूरा पालन हो जाए तो बहुत सुधार आ जाएगा नए नियम भी बन जाएंगे बहुत कड़े नियम बन जाएंगे लेकिन अगर सारे लोग मिल करके उसको वायलेट करते रहेंगे तो क्या इफेक्ट होगा वायु प्रदूषण एक पब्लिक प्रॉब्लम है इसका पब्लिक सोल्यूशन होना है देश की पूरी हवा को साफ करना ही इसका एक अच्छा लॉन्ग टर्म इफेक्टिव सोल्यूशन होगा अब जब मेडिकल जनरल लानसेंट कहता है कि भारत में हर साल 10 लाख लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाता लेकिन जब अरविंद कुमार ने कहा कि एक लड़की आई है सामने जो पहला मामला है तो सवाल उठ रहे हैं डिप्रिंट से पूजा मेरोत्रा